हनुमान जी महाराज नाचते कूदते आए राम के समक्ष प्रभु में लंका को जलाते आ गया। राम ने बोला, राम जी ने बोला, हनुमान ये बता लंका को क्यों जलाया। हनुमान जी ने बोला, प्रभु लंका में उस रावण ने इतने अत्याचार किए मुझ पे, तब जाकर मैंने लंका को जलाया। राम जी ने पूछा, बता हनुमान ऐसा क्या हुआ लंका में, तो हनुमान जी क्या बता रहे हो इस भजन में बता रहे हो सुनना। कि मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाया आम, इसमें उस रावण का क्या गया। मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, इसमें उस रावण का क्या गया। फल खाना जुर्म भी हो गया, मैं क्या करता क्या करता। फल खाना जुर्म भी हो गया, मैं क्या करता क्या करता। सुनना इस भजन को, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, लेकिन थोड़ी थोड़ी तालियां बजा के सुनना, मेरे को भी आनंद आए थोड़ा। एक एक दो तीन चार हनुमान जी के भजन में भक्तों के भाव भी बिल्कुल हनुमान जी की तरह होने चाहिए। थोड़ी थोड़ी तालियां, क्योंकि कहते हैं ससुराल में साली का, कान में ताली का, बाग में मालिका, और बालाजी के भजन में थोड़ी थोड़ी ताली का होना जरूरी है। डांडा बना भाई, भाई तू बैठ जा यार, बैठ जा। थोड़ी थोड़ी तालियां बजे जरा मिलके। हनुमान जी ने बताया, मैंने आम तोड़ कर खाए, मैंने आम तोड़ कर खाए, इतने में राक्षस आए, मैंने आम तोड़ कर खाए, इतने में राक्षस आए, मुझको 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 पत्थर से मारा, मुझको पत्थर से मारा और भाले से समझाए, मुझको पत्थर से मारा और भाले से समझाए, मैंने आम तोड़ कर खाए, इतने में राक्षस आए, प्रभु मैंने आम तोड़कर खाए, इतने में राक्षस मुझको पत्थर से मारा और भाले से। राम जी बोले, हनुमान मां तूने क्या किया। बालाजी महाराज बड़े भोले बन के बोले, प्रभु मेरा घोटना चल। I'm gonna make you mine.
बढ़ा दो भैया इसमें। कहते हैं जो नहीं राम का वो नहीं किसी का। कौन कौन राम जी वाले हो? सारे राम जी बोले जय श्री राम। मैंने एमपी वालों का देखा, एमपी वाले बिल्कुल जब राम जी और हिंदुत्व की बात आती है तो आवाज कम नहीं होती है। थोड़ी जोर से बोलो जय श्री राम। इधर वाले में जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पर ये बता बेचारे अक्षय कुमार हनुमान जी बोले प्रभु सुनो तो सही, पर पहले तालियां बजाने पड़ेगी प्रभु, ऐसे नहीं। अरे भाई मेरे जो उधर बैठे ना, इधर सामने आके बैठो तो मेरे को भी दिखे आनंद ज्यादा आएगा। इधर आ जाओ, उतनी दूर तक जाया भी नहीं जाएगा। इधर आओ। हनुमान जी ने बोला प्रभु बताऊं ताली की थोड़ी थोड़ी कहां कम थे, मैंने भी लाल चलाई। राम जी ने बोला हनुमान तूने लाल चलाई तो बेचारे अक्षय कुमार का क्या हुआ? जोर से बोलो अक्षय कुमार का क्या हुआ? अक्षय कुमार का क्या हुआ? अगर बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। हनुमान जी बोले प्रभु वो चक्कर खा के सो गया, मैं क्या करता क्या करता, वो चक्कर खा के सो गया, मैं क्या करता क्या करता, वो चक्कर खा के सो गया, मैं क्या करता क्या करता। ये बता बेचारे मेघनाथ ने क्या किया था? तूने तो उसको भी नहीं छोड़ा, तूने तो उसको भी नहीं छोड़ा। हनुमान जी बोले प्रभु उस रावण ने मेघनाथ को भेजा और वो इतना बोला कि खा गया मेरा बेटा। सुनना पर पहले ताली हो तो राम जी ने बोला हनुमान फिर मेघनाथ का क्या हुआ? पूछो डांडा वालों मेघनाथ का क्या हुआ? जानना चाहते हो? बात अच्छी लगी तो क्या करोगे? ये बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी महाराज बोले बोले के बोले प्रभु वो राम नाम सत हो गया।
हनुमान ये सारा मैटर समझ में आ गया, पर अभी तक ये नहीं समझ में आया कि लंका को क्यों जलाया। सवाल तो ये था मेरा, तू तो इधर उधर भी बताने लग गया। हनुमान जी बोले प्रभु मेन बात तो अब है। फिर रुई तेल मंगवाई, फिर रुई तेल मंगवाई, मेरी पूंछ में आग लगाई। फिर रुई तेल मंगवाई, मेरी पूंछ में आग लगाई। गुस्से में आकर मैंने, गुस्से में आकर मैंने सोने की लंक जलाई। गुस्से में आकर मैंने सोने की लंक जलाई। फिर रुई तेल मंगवाई, मेरी पूंछ में आग लगाई। गुस्से में आकर मैंने सोने की लंक जलाई। कहते हैं झोली जाजो से टक्कर उसे तूफान कहते हैं, झोले तूफानों से टक्कर उसे इंसान कहते हैं, झोले उसे शैतान कहते हैं, और जो ने शैतानों से टक्कर उसे वीर बजरंग बली हनुमान कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने इतनी बात करी, राम जी को सारा मैटर समझ में आ गया। और नाचते कूदते हनुमान जी बोले प्रभु, देखो अंतिम बार बोल रहे हैं, जो राम के दोनों हाथ उठा दे एक बार, प्रभु लंका का